गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइज़, आज की वीडियो फाइनली एक फर्स्ट व्लॉग होने वाला है ऑफ 11th ग्रेड। सो एक्चुअली मैंने एक शॉर्ट्स और एक प्रॉपर वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि यार मैंने स्ट्रीम चेंज कर ली है। तो पहले तो मैं बता देती हूँ, पहले मैं थी कॉमर्स में, देन मेरे को पता लगा कि यार हमारे स्कूल में कॉमर्स के साथ साइकोलॉजी नहीं देते हैं एंड आई एम गोइंग टू परस्यू विद साइकोलॉजी इन माई फ्यूचर। सो इसलिए मैंने सोचा कि यार अब पूरी स्ट्रीम ही चेंज कर देते हैं। एंड स्ट्रीम चेंज करने के बाद मैंने ली, मेरे पास दो ऑप्शंस बचे थे यार, कि साइंस लूँ या ह्यूमैनिटीज़ लूँ। सो पर्सनली मेरे को साइंस इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है कि यार एकदम ही साइंस ही करूँ मैं, इसलिए नाउ आई हैव चूजन ह्यूमैनिटीज़। एंड मैं बताऊँ यार, 2 हफ्ते हो गए हैं स्कूल जाते जाते एंड जिस चीज़ की टेंशन मेरे को सबसे ज़्यादा थी कि यार जैसे ही मैं स्ट्रीम चेंज करूँगी मेरे पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा होगा। सो येस, ऑफकोर्स बैकलॉग तो बहुत सारा हो गया, लाइक पॉल साइंस का बहुत सारा काम करना है, इको का बहुत सारा काम करना है, साइकोलॉजी का बहुत सारा काम करना है एंड आई गेस ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश का भी बहुत सारा काम है। सो मैंने सोचा कि यार एक फ्राइडे की छुट्टी लेके 3 दिन की छुट्टियों में सारा काम निपटा दूंगी, बिकॉज यार सही में बताऊँ बहुत सारा काम है सब। मतलब जिन्हें नहीं पता बता देती हूँ यार, 6 ऑफ मई से मेरे एग्जाम्स भी आ गए हैं एंड डेट शीट भी आ गई है हमारी। एंड मैं बताऊँ यार, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है बट अब पढ़ना तो पड़ेगा ना, अब जब डेट शीट हाथ में आ गई है तब तो पढ़ना पड़ेगा ही, तुम कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। अब फाइनली मेरी एकदम प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो गई है एंड आई रेयरली हैव 1 वीक जिसमें मेरे को सब कुछ कवर करना है, अपने क्लास वर्क के रजिस्टर्स बनाने हैं, अपना सारा काम करना है, नोटबुक्स कंप्लीट करनी है, अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाने हैं एंड देन उसके बाद मेरे को पढ़ाई भी करनी है। मतलब देख रहे हो यार, इतना सारा बैकलॉग हो गया बट मेरे को खुद पर विश्वास है कि यार मैं कर लूँगी, बट धीरे धीरे करूँगी। ऐसा नहीं है कि यार सब एक साथ करूँगी वरना मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे करके सब ख़त्म करना है। ओके सो गाइस, यहाँ पे मम्मी सुबह बना रही थी पोहा, तो अराउंड आई गेस 5:30 टाइम हो रहा था जब मैं उठी थी, तब मम्मी का पोहा हाफ प्रोसेस में चल रहा था। सो यहाँ पे मम्मी पोहा बना रही थी जो कि मेरे को पता है बहुत ज़्यादा पसंद है यार, इसे खाने और बनता हुआ देखना, खाना बनाना, दीज आर माई हॉबीज़ लाइक वीडियो मेकिंग एंड ऐसे खाना बनाना, ये सब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा सुबह सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि यार मैं लेट सोई थी एंड मेरे को था कि यार छुट्टी ले लेती हूँ, बट फिर मेरे को था कि यार ऑलरेडी मेरे पास इतना बैकलॉग है, मैं अभी छुट्टी लेके और बैकलॉग क्रिएट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं रेगुलरली 1 हफ्ता स्कूल जा रही थी ताकि यार ह्यूमैनिटीज़ वाले सेक्शन में बैठ के मैं सब कुछ अटेंड कर पाऊँ। तो सुबह यार इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना, मतलब थोड़ा सा तो यार ऐसे लगता है कि उठने का मन नहीं करता बट जब बाहर निकलते हैं तब इतनी बढ़िया वाइब्स आती है, थोड़ी थोड़ी धूप होती है एंड सही में यार मेरे को गर्मियों में जो स्पेशल पार्ट लगता है ना वो सुबह का और रात का ही लगता है, बिकॉज दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब यार बाहर निकलने तक का मन नहीं करता, मन करता है अपने घर में अपने कमरे में बंद रहो बस। तो यहाँ पे मम्मी मेरे को सुबह स्कूल छोड़ रही थी एंड ऑलमोस्ट मैं लेट हो गई थी, इसलिए यार हमने रिक्शा करा। सो गाइज़, ये क्लिप्स होने वाली है रात की, तो एक्चुअली पूरे दिन में मैंने इतना कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करा था, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी थी, बस मैं खाना खा के थोड़ी देर के लिए सो गई थी एंड इतना टाइम नहीं मिला था कि यार कुछ रिकॉर्ड करके दिखा पाऊँ, बिकॉज मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था जो रिकॉर्ड करूँ। सो इसलिए मैंने सोचा कि यार अब रात को ढंग से पढ़ना है, अब तुम आगे देखना कि मैं पढ़ भी पाती हूँ या नहीं। सो सबसे पहले मैंने अपने बालों को करा बंद, बिकॉज मेरे को ना चाहिए होता है यार जब भी मैं पढ़ाई करूँ तो मेरे बाल मेरे मुँह पर ना आए या फिर इरीटेट ना करें मुझे, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मतलब इरीटेटिंग चीज़ लगती है मेरे को, उससे काइंड ऑफ पढ़ाई में से डिस्ट्रैक्शन होती है, तो इसलिए मैंने अपने बालों को अच्छे से बंद करा। उसके बाद मैंने करा अपना फेस वॉश, क्योंकि यार पूरे दिन में इतनी डर्ट लग जाती है फेस पे एंड इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है स्किन केयर करने का, इसलिए मैं रात को तो ट्राई करती हूँ रात को और सुबह अच्छे से फेस वॉश करूँ ताकि उससे स्किन मेरी साफ रहे, बिकॉज़ मैं अभी अपनी स्किन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। आई एम जस्ट लाइक स्कूल से आती हूँ, सो जाती हूँ, काम करती हूँ थोड़ा बहुत एंड फिर दोबारा सो जाती हूँ क्योंकि रात हो जाती है एंड यही मेरा मॉर्निंग रूटीन चल रहा है, इससे मैं अपनी हेल्थ पर भी नहीं ध्यान दे रही हूँ, ऑल्सो अपनी स्किन पे भी ध्यान नहीं दे पा रही। तो अब मैंने सोचा है कि यार अब एकदम परफेक्ट रूटीन स्टार्ट करना है, बिकॉज देखो अगर तुम परफेक्ट रूटीन स्टार्ट करोगे तो ही तुम आगे कुछ कर पाओगे। सो इसलिए मैंने अब अपना प्रॉपर रूटीन बना लिया कि यार ऐसे ऐसे ही पढ़ना है अब। तो गाइज़, अपने आप को एकदम फ्रेश फील करवा के एक पानी की बोतल साथ रख के मैं बैठ गई अपना स्कूल का काम करने। एक्चुअली मेरे को नोटबुक्स वगैरह भी कंप्लीट करनी थी, लाइक रजिस्टर्स कंप्लीट करने थे एंड मेरा सही में इकोनॉमिक्स पॉल साइंस साइकोलॉजी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का काम रहता है तो वो भी करना है। एंड मैं सोच रही हूँ कि यार इन 3 दिन की छुट्टियों में ही मैं सब कुछ करूँगी क्योंकि मैंने फ्राइडे की छुट्टी ली है, क्योंकि एज सच हमारे स्कूल में कुछ हो नहीं रहा है इतना इंपॉर्टेंट, तो यस इसलिए छुट्टी ले ली मैंने।
तो मतलब मैंने सोचा कि यार सारा काम अपना 3 दिन में कंप्लीट करना है, सो दैट मैं मंडे से एकदम बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर पाऊँ फॉर UT 1। एंड मतलब यार बहुत ज़्यादा कम दिन बचे हैं, 6 मई से मेरे पेपर हैं एंड अभी तक मैं कह रही हूँ 1% सिलेबस भी नहीं हुआ है मेरा। एंड मैं पर ये कोशिश करती हूँ कि यार मैं कभी भी प्रोक्रास्टिनेट ना करूँ, रादर देन मैं पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करूँ। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि यार आज स्कूल में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन था। एंड मतलब यार बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इतना कुछ मन नहीं कर रहा ज़्यादा करने का। मैंने वैसे ईको भी सोचा था बट ईको मैं कल से स्टार्ट करूँगी। अभी यहाँ पर मैंने काम खोला हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा करा है, हाउ इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, ये मैं कल से करूँगी बिकॉज अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सिर्फ इतना ही करा जा रहा है, नो ये ज़्यादा नहीं है बट इट्स ओके, कभी कभार कम भी करो तो चलता है। एंड अभी ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं देने वाली हूँ मैं, जितना होगा उतना ठीक है। बाकी पानी पीते हैं एंड मिलूँगी सुबह। सो गाइज, इतने दिनों से मेरी वीडियोज़ जो इररेगुलर हो रही थी, अब फाइनली आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी वेरी रेगुलर ऑन माई यूट्यूब, क्योंकि अब मैं शॉर्ट्स भी डालने वाली हूँ रेगुलरली एंड वीडियोज़ भी। सो मेक श्योर दैट यू गाइज हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अलॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज़। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।